एक दिन वो मुझे खजाना दिखाने ले गए। पत्थर को आहिस्ता उठाओ ताकि बिल्कुल आवाज ना हो। क्यों? जरा सी भी आवाज होगी तो सारी पहाड़ी गूंज उठेगी और जलजला शुरू हो जाएगा। जलजला? संभल के आहिस्ता। पिताजी ये खोलो। ये भी हमारी पिछली 5 पीढ़ियों ने अपनी कमाई से इस दौलत को बढ़ाया ही है। इसमें से कभी कुछ निकाला नहीं। अब मैं चाहता हूं कि यह सारी दौलत तुम इस देश के बाहर ले जाओ, किसी बिजनेस में डाल दो। देश के बाहर क्यों पिताजी? अपने देश में क्यों नहीं? तुम इस देश में बिजनेस करोगे? जी हाँ पिताजी। बेटा, जहां आए दिन हड़ताल होती रहती है, लॉकआउट होते रहते हैं, एक मजदूर नारा लगाता है तो सारा शहर बंद हो जाता है, सालों साल मिले बंद रहती है। यहाँ बिजनेस करने का मतलब है खुदकुशी करना। लेकिन पिताजी सुनो, जब ये दौलत तुम मार्केट में ले जाओगे तो टैक्स वाले तुम्हारे पीछे मक्खियों की तरह भिन बनाते रहेंगे। प्रॉपर्टी टैक्स, वेल्थ टैक्स, एस्टेट ड्यूटी टैक्स, ना जाने क्या क्या टैक्स लगते रहेंगे, और ये सारा खजाना सरकारी खजाने में चला जाएगा। तुम्हें अच्छा लगेगा पिताजी? देश की दौलत देश से बाहर ले जा? नहीं पिताजी, ये काम मुझसे नहीं होगा। ये काम आप रणवीर को दीजिए। नहीं रणवीर, रणवीर की आदत मैं अच्छी तरह जानता हूं। अय्याशी और जुए में 500 साल की जमा की दौलत 5 दिन में लुटा देगा। मुझे सिर्फ तुम पर ही भरोसा है। लेकिन पिताजी, एक अच्छे पढ़े लिखे शहरी होने के नाते इस देश का भी मुझ पर कोई भरोसा है, और ये भरोसा मैं नहीं तोड़ सकता। यानी यह आपकी सारी दौलत मैं देश के बाहर नहीं ले जा सकता। ये मेरा फर्ज है। फर्ज? जी हाँ। कैसा फर्ज? तुमने अब तक किया क्या? एक रुपया तो अपने हाथों से नहीं कमाया। क्यों पिताजी, क्या मैं अपने मिले नहीं संभालता? अपने मिले? जी हाँ। वो तुम्हारे मिले नहीं बेटा, वो मेरे मिले हैं। अगर तुम नहीं संभालते तो मैं एक मैनेजर रख देता। पिताजी, मजा तो इस बात का है, बिना अपने बाप के मदद के कुछ कर दिखाओ। देश के लिए नहीं सही, अपने लिए कुछ कमाओ। फर्ज की बात है तब करना जब अपने बलबूते पर कुछ कर सको। ठीक है पिताजी, आज से मैं आपके साथ आपके घर में नहीं रहूंगा। कुछ करके दिखाऊंगा, कुछ बन के दिखाऊंगा।